कर्नाटक में एक ऐतिहासिक जीत और एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिक गया है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के लिए अपनी तैयारियों को तेज किया है। तो वहीं कांग्रेस के उत्साह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही अपने चुनावी अभियान को शुरू कर सकती है। दरअसल कर्नाटक के बाद कांग्रेस का मानना है कि उसके पास एक रोड मैप है जिसे वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोहरा सकती है। कांग्रेस का मानना है कि वो कम से कम दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में है। कर्नाटक में अपनाई गई रणनीति को कांग्रेस इन दो राज्यों में भी आजमा सकती है। कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस इन राज्यों में भी अपने चुनाव अभियान को हाइपर लोकल रखना चाहेगी, जिससे नरेंद्र मोदी फैक्टर राज्य में सफल ना हो पाए। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं, इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने क्या प्लान बनाया है। राजस्थान का क्या प्लान है पहले वो समझिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विपरीत राजस्थान कांग्रेस में विभाजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बार बार होने वाला झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को पायलट के अल्टीमेटम के बाद ये और निचले स्तर पर पहुंच गया। गहलोत ने अपने आखिरी बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना, राज्य के करीब 1 करोड़ 19 लाख उपभोक्ताओं में से 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, लगभग 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेट और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को 10 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना शामिल है। उधर गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट की ताजा धमकी से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अवगत है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व कर्नाटक में सरकार बनने के बाद राजस्थान की स्थिति को संभालने के प्रयास करना शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ का क्या प्लान है वो अलग से समझ लीजिए। साल 2018 में मुख्यमंत्री पद के दो मजबूत दावेदार थे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू। इनको पीछे छोड़कर भूपेश बघेल जो है वो मुख्यमंत्री बने। वही छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं इस वक्त और काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। टीएस सिंहदेव बघेल के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये उम्मीद है कि पार्टी बघेल को हटाएगी, खासकर गांधी परिवार से बढ़ी उनकी नज़दीकी के बाद, खासतौर पर हिमाचल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह की उनकी भूमिकाएँ रही उसके बाद। दूसरी तरफ बघेल कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ी गौरव का आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। वो कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिनका मानना है कि पार्टी को हिंदू त्योहारों को मनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में राम की 8 प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सब बघेल की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का क्या प्लान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं है। कमलनाथ का न तो शीर्ष पर कोई प्रतिद्वंदी है, न रैंक में कोई आगे है। कमलनाथ की राह के एकमात्र बाधा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, पार्टी में नहीं है। साल 2021 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपना समर्थन जुटाने में पूरा प्रयास किया था और वर्षों में पहली बार राज्य में कांग्रेस में केवल एक स्पष्ट सीएम चेहरा दिखाई दिया कमलनाथ का। अभी भी दिग्विजय सिंह कह ही चुके हैं कि कमलनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह अभियान चलाया था, कुछ वैसा ही कैंपेन मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। एमपी कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को मध्य प्रदेश में आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर हमले तेज करेगी। संभावना इस बात की है कि पे सीएम ये बड़ा पॉपुलर हुआ था, 40% कमीशन, अभी 50% कमीशन कई जगह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कहते सुनाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पे सीएम का जो पोस्टर कैंपेन था वो और ये कमीशन का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों को नए वर्जन के साथ एमपी में आप देख सकते हैं शायद आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत फैक्टर आपको मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देंगे। अब एक और बड़ा फैक्टर रहा कर्नाटक में, वो प्रियंका गांधी। 12 जून से प्रियंका गांधी की रैली से चुनावी अभियान की यहाँ शुरुआत हो रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से रोड शो और आम सभा को संबोधित कर विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभाओं को लेकर पीसीसी एआईसीसी से समन्वय कर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इस बारे में अभी प्रारंभिक औपचारिक चर्चा ही हुई है। राहुल गांधी और खड़गे के प्रदेश में जुलाई अगस्त के बाद आगे तक के चुनाव प्रोग्राम होंगे। राहुल गांधी कुछ भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग फिर से करते हैं, जो चल भी रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक निकालेंगे। हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश में पहले ही वो लंबा समय दे चुके हैं, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल इसको अवॉइड नहीं करेंगे। बहुत मुमकिन है कि आप चुनावी राज्यों में, खासतौर पर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राहुल के कुछ रोड शोज भी देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई माहौल भी देख सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक